dear students, welcome to KSM tutorial. Aji ame dashama shrani bhautika vigyan bohiro ditiya adhyay amlo kharako o labano bisoyare alochana kariba. तो देखो अम्ल खारक लवण अम्लटा को हमें कहचे कौन ना एसिड्स खारकटा को हमें कहचे बेसेस एवं लवणटा को कहचे हमें सॉल्ट्स हैला कि तो देखो ये अम्ल अम्ल कहले हमें कौन बुझुचे ना अम्ल होउची ना सीधा कथा रे अम्ल कहले सिंपल भाषा हमें जदि बुझते जीवा अम्ल कहले कौन ना जेउ पदार्थ चाखिले हमको खट्टा लागे हैला कि जेउ पदार्थ चाखिले आमको खट्टा लागे ताहाको में कहिबा कोन ना खट्टा लागे ताहाको अम्ल कहंती बुझियाला कि नै तो देखो कोगुडा खट्टा लागे उदाहरण देखो जेउ पर चखिले आमको खट्टा लागे उदाहरण ने उची देखो लेम्बू रस लेम्बू हैला कि तापर कमळा तेंतुळी तापर असला विनेगर ए सब उची कोन ए उची हम दही ए उची कोन ए जब गदा ताकि ना हमको खटाले कोंचा आंबो ए उडा को चाकिले हम खटाल लागे तेनो उडा को उची अम्ल बुझी हला कि नै ठीक से उपर देखो ना खारक कहले हमें कोन बुझु छी खारक ना जेऊ पदार्थ पाटी को खारियो लागे ताहा को खारको कुहा जाए बुझियाला तो उदाहरण देखो कौन ना साबुन हबो डिटर्जेंट जोटा को मैं कहे कारण सर्फ हैला कि खाइबा सोढ़ा डिटर्जेंट आउच कौन चूनो पानी एगुड़ा को सब हम चाकिले को कौन लगे ना खारिया लगे हैला कि पार्टी को खारिया लगे तेनो को हम कहबा कौन ना खारक और खारक को कौन ना से खारक को स्पर्श करले कौन लगे ना चिकन लगे चिकन लागबो खारक को स्पर्श कोन कोन ले कोन चिकन लागबो आ मन रखितिबो अम्लटा आसी जी कोटा ये होची लैटिन शब्द एसिडस वेस अम्ल आसी कोन ना लैटिन शब्द एसिडस एसिडस रु आसी छी लैटिन शब्द एसिडस रु आसी छी तो आसे माने कोटा कमे कहूचे कोन ना खट्टा जोटा कमे कहूचे लट खट्टा बुझिया लागिन तो जेउ पदार्थ चखिले हमको खट्टा लागे ताकु अम्ल कहंती उदाहरण छी लेम्बू कमळा तेंतुळी विनेगर हैला कि दही कंचा आंब आ खारक होची जेउ पदार्थ पाटी को खारिया लागे ताहाको आमे खारक कहूचे उदाहरण साबुन खाइबा सोडा डिटर्जेंट आ लवण कहले आमे कोन बुझुचे ना देखो जदी अम्ल आ खारक मिसि जीवो हैला कि अम्ल प्लस खारक मिसि गले सेटा को हम कोन ना लवण एटा हो लवण सृष्टि हो लवण प्लस जल सृष्टि हो बुझियाला कि नै तो लवण सृष्टि केमती हो ना अम्ल सहित खारक को मिसाइले लागि अम्ल सहित खारक को मिसाइले लवण सृष्टि हुए तो देखो अम्ल रो प्रॉपर डेफिनेशन टा हमें पाई कोन देखिबा ना जेउ यौगिक रु हाइड्रोजन प्लस आयन उत्पन्न होई थाय ताकु अम्ल कहा जाय जेउ यौगिक रु हाइड्रोजन प्लस आयन उत्पन्न होई थाय हैला कि ताहा को हमें कहूचे कौन ना अम्ल कहूचे ताहा को अम्ल कहा जाए बुझियाला कि नै उदाहरण देखो केमती हाइड्रोजन प्लस आयन उत्पन्न होची ओटा उदाहरण देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl तो देखो केमती HCl कोन होची ना हाइड्रोजन प्लस आयन प्लस Cl माइनस तो देखो ये हाइड्रोजन प्लस आयन टा उत्पन्न होची नै तेनो ये HCl होची एको कोन ना अम्ल बुझियाला कि नै ठीक से पूरी देखो खारक होची कोन ना जेउ यौगिक रु OH माइनस माने हाइड्रोक्साइड माइनस आयन OH माने कोन हाइड्रोक्साइड
हैला कि OH माइनस आयन उत्पन्न होई थाय ताहा को हमें खारक कहिबा तो जेऊ योगिक करू OH माइनस आयन उत्पन्न होई थाय ताहा को खारक कहा जाए हैला। तो उदाहरण गोटे देख ना खारक गोटे उदाहरण देख ना कौन ना देख गोटे उदाहरण नौ ना OH माइनस टा उत्पन्न होती देख है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है कि तब कौन ना सोडियम प्लस बाहर प्लस OH माइनस बुझीगला। तो देख रहे OH माइनस आयन टा कौन हो उत्पन्न होणु ये हूँ कौन ना NaOH टा हूँ खारक बुझीगला कि नहीं। तो देख आम अमरटा तो डाकिले कौन से खटा लगे। तो देख आम गोटे जगह को जाऊँ बेस खाई कि बदबदमी है ढेकार उठुचे अम्लजनित समस्या होने कौचे कौन एसीड से समय कौन कौचे ना इनो खाई दूचे तो से इनो कटा हो खारक बुझीगला कि देख आम गोटे पार्टी को जाइए कि बाहर पार्टी हूँ कि जो जाऊे कि बार्थडे पार्टी जो बेस खाई दूचे है कि तो खाई देर कौन ना आम हजम हो बुझीगला कि नहीं। तो हजम होनी आम तो से समय कौन कर देख देखिए ये कि लेंबू रस खाइले ठीक हे ना भिनेगर खाइले ठीक हे ना खाइबा सोडा खाइले ठीक हे। तो देख अम्ल आम तो अम्ल बहुत अत्यधिक अम्ल होती तेणु लेंबू रस तो अम्ल था ये खाइले कौन हम आरी बढ़ीज पचे मानते ठीक हे ना भिनेगर एथे भी अम्ल रोच तेनाली भिनेगर खाइले भी ठीक हे ना। जी आम खाइबा सोडा खाईदे है कि खाइबा सोडा जब खाई खाइबा सोडा हूँ कौन गोटे खारक तेनाली अम्लटा बेसी तो खारक खाइदे ले आमको कौन हम ना आमको भल लगे मैंने आमको कौन हम तेनाली अम्ल अम्लटा अम्ल खारक कौन हो परस्पर को कौन कले ना प्रशमन करती बुझीगला प्रशमित करती बुझीपार्चो कि नहीं। तेणु आम जो अम्ल होती आम खारक किसी खाईदे आमको ठीक लगे बुझीगला कि नहीं कि ना अम्ल हो खारकर प्रभाव को खारक कौन हो अम्लर प्रभाव को प्रति आम बेस खारक आम खाई तो आम से अम्ल जब खाईदे आमको कौन आमको ठीक लगे मैंने तमें आम जानले कौन ना अम्ल खारक परस्पर को प्रशमित करेखाई अम्ल और खारक परस्पर को प्रशमन करपारती फल अम्ल खारकर प्रभाव को और खारक अम्ल प्रभाव को प्रतिहित करें बुझीगला कि नहीं। तो देख जदि जदि तेज आम जानले कौन ना जब अम्ल आम शरीर में अत्यधिक परिमाण में वृद्धि घटी तेज आम कौन करवा ना खारक खाई आमको ठीक लगे ठीक से आम खारक आम शरीर में वृद्धि घटे तेनाली अम्ल यदि खाई आमको ठीक लगे बुझेगा कि नहीं। तो देख मुझे आगे कहली ना अम्ल को चाखिले से खटा लगुच तो आम सब अम्ल को कि चाखि पार सब अम्ल को चाखि पार ना। देख जमी आमर कमला हो लेंबू हो दही हो गोटे आम खाली खाली पेटर में कौन कहते चाखि दूचे बुझी कि नहीं। तो बहुत किसी अम्ल अच्छी जो आम खाली पेटर चाखिदेले आम शरीर प्रति चाखी कि टेस्ट कले आम शरीर प्रति कौन हो क्षतिकारक विपद रोच बुझीगला कि नहीं। ठीक से बहुत खारक को मैं आम खाली पेटे चाखी पारा नहीं बुझीगला कि नहीं। खाली पेटे चाखी देखे आम शरीर प्रति कौन रोचे ना से विपद रोच। तो से समय आम कौन करवा ना आम अम्ल खाक को जाना केमती ना से समय आम सूचक को व्यवहार करवा सूचक ये सूचक जोटा इंग्लीश कौच कौन ना इंडिकेटर इंडिकेटर द्वारा आम जाना कौटी मानने कौटी कौन मानते कौटा अम्ल कि कौटा खारक बोली आम जापर तो इंडिकेटर टा कौ जिन। तो देख आम जो घर में इलेक्ट्रिक देख इलेक्ट्रिक बोर्ड देख गोटे लाल कलर रेड कलर जो था लाइट टा जो था मैंने सी कौन सी हूँ इंडिकेटर सी इंडिकेटर सूचाए कौन पाई आम करेन्ट अच्छी कि नहीं सूचाए जो देख करेन्ट नंडिकेटर टा कौन बंद हो तो आम जाना कौन ना सी आम करेन्ट ना लाइट ना बुझीगला कि नहीं। तो से हूँ कौन से मैंने जो रेड लाइट टा जो सूचाए सी हूँ कौन गोटे इंडिकेटर कि नहीं। ठीक से अम्ल और खारक को जितने आम जाना तो जाना किपर मैंने बिना पाटे देखने जापर किपर से अम्ल कि खारक से समय आम कौन करवा ना सूचक बा इंडिकेटर व्यवहार करवा। तो गोटे आम आगुरी भी जाचे गोटे हूँ कौन लिटमस है कि लिटमस कागज विषय तुम आगे जाथ है कि सप्तम श्रेणी थी अम्ल खारक लिटमस कागज विषय लिखाई था। तो लिटमस कागज कौन होना गोटे हूँ सूचक बा इंडिकेटर। तो देख ये लिटमस रोटे द्रवण है कि लिटमस कागज द्वारा आम जाऊे सी हूँ कौन ना से आम जानपर से गोटे सूचक प्राकृतिक सूचक जोटा को आम कहे लिटमस कागज द्वारा आम जाना कौ पदार्थ अम्ल अच्छी कौ पदार्थ खारी अच्छी बुझीगला। तो देख लिखाई लिटमस द्रवण एक नीलोहित रंजक यह थालोफाइटा श्रेणी शैवाल निष्कासन कराए
थालोफाइटा विषय में तुम जीव विज्ञान बहुत पढ़ीच तो ये थालोफाइटा रु कौन हूँ ना ये लिटमस टा हूँ कौन ना से आम मान शरीर शैवाल यहाँ निष्कासन कराए यहाँ को कौन ना ये सूचक रूप से व्यवहार करुथे लिटमस देख लो कागज भी गोटे आसे आ गए कौन द्रवण है कि लिटमस कागज दुई प्रकार गोटे हूँ कौन लिटमस कागज हूँ दुई प्रकार है कि लिटमस कागज बुझीगला तो दुई प्रकार गोटे हूँ कौन ना गोटे हूँ आम नील लिटमस कागज आ गोटे हूँ आमर लाल लिटमस कागज बुझीगला कि नहीं नील लिटमस कागज आ गोटे कौन ना लाल लिटमस कागज बुझीगला कि नहीं दुईटा मार्केट में मिले गोटे हूँ नील लिटमस कागज नील लिटमस कागज आ गोटे हूँ लाल लिटमस कागज है सब मार्केट अवेलेबल नील लिटमस कागज एवं लाल लिटमस कागज लिटमस द्रवण आसी जा बुझीगला कि नहीं तो देख ये लिटमस कौन को द्रवण टा कौन नील लोहित रंजक या थालोफाइट श्रेणी रस निष्कासन कराए जिते बड़े जाना कौन ना लिटमस द्रवण टा अम्लीय किंबा क्षारीय नुहे तेबे यार वर्णनटा किपरि होइथाय ना नील लोहित होइथाय बुझीगला कि नहीं नील लोहित होइथाय ତାମାନେ ଏଇ ଲିଟମସ୍ଟା ଦ୍ରବଣ ରୂପରେ ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଲେ ନା କାଗଜ ରୂପରେ ମିଳିଥାଏ ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ ତ ଦେଖ ଯଦି ତାମାନେ ଯଦି ଅମ୍ଳ ଥିବ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥଟା ଅମ୍ଳ ଥିବ ତାମାନେ କ'ଣ ସେଇ ସମୟରେ ନୀଳ ଲିଟମସ୍ କାଗଜଟା କ'ଣ କରେ ନା ଲାଲ ଆଉ ଅମ୍ଳଟା କ'ଣ ଲାଗେ ନା ଖଟା ଲାଗେ ତ ସେ ନୀଳ ଲିଟମସ୍କୁ କ'ଣ କରେ ନା ଲାଲ ରଙ୍ଗ କରିଦିଏ ମନେ ରଖିଥିବ ଅମ୍ଳୀୟ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଅମ୍ଳରେ କ'ଣ ଖଟା ଲାଗେ ସେଇଠୁ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ସେ ଗୋଟେ ଅମ୍ଳୀୟ ଗୁଣ ରହୁଛି ତେଣୁ ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଖଟା ଲାଗୁଛି ଆଉ ସେ ଅମ୍ଳ ଯଦି ଥିବ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥରେ ସେ ନୀଳ ଲିଟମସ୍ଟାକୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗ କରିଦେବ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦେବ ଖାରକ ଖାରିଆ ଲାଗେ ବୁଝିହେଲା ଏ ଖାରକଟା କ'ଣ କରୁଛି ନା ଲାଲ ଲିଟମସ୍କୁ ନୀଳ ରଙ୍ଗ କରିଦିଏ ଏଟା ମନେ ରଖିଥିବ ଖାରକଟା ଲାଲ ଲିଟମସ୍କୁ ନୀଳ ରଙ୍ଗ କରିଦିଏ ଏବଂ ଅମ୍ଳଟା ନୀଳ ଲିଟମସ୍କୁ କ'ଣ କରେ ନା ଲାଲ ରଙ୍ଗ କରିଦିଏ ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ ତ ଦେଖ ତ ଆମେ ସୂଚକ ଭାବରେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ଲିଟମସ୍ କାଗଜକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ବା ଲିଟମସ୍ କାଗଜ ବା ଦ୍ରବଣକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦେଖ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ହଳଦୀ ହଳଦୀଟା ବି ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ସୂଚକ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ ହଳଦୀଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରେ ଏଇଟା ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କହୁଛେ ଆମେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ବହିରେ ଥିଲା ହଳଦୀ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ ତେଣୁ ଏ ଲିଟମସ୍ କାଗଜ ପ୍ରତି ଲିଟମସ୍ କାଗଜ ବି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ ହଳଦୀ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ ତ ଦେଖ ଧଳା ଲୁଗାର ହଳଦିଆ ତରକାରୀ ଦାଗ ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ସାବୁନ ଘଷିଲେ ଲୋହିତ ବାଦାମୀ ହୋଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ପରେ ଲୁଗାକୁ ବେଶୀ ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେଲେ ଏହା ପୁଣି ହଳଦିଆ ହେଇଯାଏ ଦେଖ ଧଳା ଲୁଗା ହଳଦୀ ହଳଦିଆ ତରକାରୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଯଦି ତମେ କ'ଣ ସାବୁନ ଘଷୁଛି ମାନେ କ'ଣ ତମେ ଖାରକ ଦେଉଛେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେ ଲୋହିତ ବାଦାମୀ ହେଇଯାଉଛି ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ ପୁଣି ସେ ଲୁଗାକୁ ଆମେ ବେଶୀ ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଯଦି ଧୋଇଦେବା ତାହେଲେ ପୁଣି ସେ ହଳଦିଆ ହେଇଯାଉଛି ବୁଝିହେଉଛି କି ନାହିଁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦେଖ ଅମ୍ଳ ଓ ଖାରକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମିଥାଇଲ୍ ଅରେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ନେଉଛେ ଆଉ କ'ଣ ନେଉଛେ ନା ଫେନଲ୍ ଫତାଲିନ୍ ପରି ସଂଶ୍ଳେଷିତ ସୂଚକ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ତାମାନେ ଦେଖ ସୂଚକ ତେବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଲିଟମସ୍ କାଗଜ ଜାଣିଲେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ହଳଦୀ ଜାଣିଲେ ସେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ ଆଉ ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ ଅଛି କ'ଣ ନା ଲାଲ ବନ୍ଧାକୋବି ପତ୍ର ଲାଲ ବନ୍ଧାକୋବି ପତ୍ର ଲାଲ ବନ୍ଧାକୋବି ପତ୍ର ବୁଝିହେଲା ଇଏ ବି ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ ଠିକ୍ ସେହିପରି କେତେକ ଫୁଲ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନା ହାଇଡ୍ରାଞ୍ଜିଆ ହେଲା କି କେତେକ ଫୁଲ ଗୋଟେ ହେଉଛି କେତେକ ଫୁଲ ଯଥା କେତେକ ଫୁଲ ଯଥା ହାଇଡ୍ରାଞ୍ଜିଆ ହେଲା କି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପେଟୁନିଆ ହେଲା କି ଆଉ ହେଉଛି ଜେରାନିୟମ୍ ବୁଝିହେଲା ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥ ରହିଛି ଯାହା ଦ୍ରବଣରେ ଅମ୍ଳ ଆଉ ଖାରକର ଉପସ୍ଥିତି ମାନେ ସୂଚାଇଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଆଉ ହେଉଛି ଆମର ଦେଖ ଗୋଟେ କ'ଣ ସଂଶ୍ଳେଷିତ ସୂଚକ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ ପୁଣି ଆସିଲା କ'ଣ ନା ସଂଶ୍ଳେଷିତ ସୂଚକ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ହେଲା ପରୀକ୍ଷାଗାର ବ୍ୟବହାର ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କରାଯାଉଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି ମିଥାଇଲ୍ ଅରେଞ୍ଜ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫେନଲ୍ ପଥାଲିନ୍ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମିଥାଇଲ୍ ଅରେଞ୍ଜ ଫେନଲ୍ ପଥାଲିନ୍ ଆଉ ମିଥାଇଲ୍ ଅରେଞ୍ଜ ମିଥାଇଲ୍ ଅରେଞ୍ଜ ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସଂଶ୍ଳେଷିତ ସୂଚକ ହେଲା କି ଏଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ବୁଝିହେଲା
तो देखो ना लिखा है जी देखो लाल बंधाकोबी पत्र बही लिखा है हलदी एवं केतक फूल हाइड्रेंजिया पेटुनिया जेरानियम प्रभृतिर पाखुड़ा प्रभृति अनेक प्राकृतिक पदार्थ रही द्रवण से कौन ना अम्ल आ खारकर से उपस्थित होती मैंने सूचक कौन करुच्ची ना से प्राकृतिक सूचक हो से संश्लेषित सूचक हो से कौन करना से जो मैंने पदार्थ टाक सूचे दूसरे आमर अम्ल अच्छी किंवा खारक अच्छी बुझीगला कि नहीं तेणु एगुड़ी आम कह क्या अम्ल खारक एसीड बे सूचक कही पार कि बेले बेले खाली सूचक बुझीगला कि नहीं तो देखो एबे आम आलोचना करवा क्या अम्ल और खारक रासायनिक धर्म बुझीगला कि नहीं अम्ल और खारक रासायनिक धर्म विषय जानवा बुझीपाल कि नहीं अम्ल और खारक तो आम जान लें बुझीगला कि नहीं तो देख आ गए जिनस मन रखिथ अम्ल कौन कै ना धातु सह जो प्रतिक्रिया करब से धातु कौन हम धातु टाक सी क्षय करदेव बुझीगला कि नहीं आउ जानी अम्लर अम्ल जो जो पदार्थटार आम पीएच जाना तो सीटा अम्ल कौन पदार्थ अम्ल अम्ल कि क्षार जाना कमी ना जार पीएच सेभेन रु जी कम से हम कौन ना अम्ल आर पीएच टा है कि सेभेन रु बे सी हूँ खारक आदि जार पीएच टा हूँ सेभेन खाली थी सी हूँ कौन प्रसन्नित द्रवण बा न्यूट्रल से आम प्रिभस मैंने आगे अच्छी है कि तो आम नेक्स्ट भिडियो गुड़ाक विषय आलोचना करवा बहर तुम अच्छी है कि तो से गुड़ाक पर आलोचना करवा तो देख ए आलोचना करवा कौन ना अम्ल और खारकर रासायनिक धर्म जाना तो फास्ट आम जाना कौन ना परीक्षागार अम्ल और खारक तो देख ये अच्छी परीक्षागार अम्ल और खारक विषय आम जाना देख ये अम्ल हाइड्रोक्लोरिक एसिड जोटा कौचे एस सी एल सल्फ्यूरिक एसिड एच टू एस ओफ नाइट्रिक एसिड एच एन ओ थ्री एसेटिक एसिड सी ए थ्री सी ओ एच एगुड़ाक सब हूँ कौन ना आम अम्ल है कि तो सब देख एसीड लिखाई थी अम्ल अम्ल एगुड़ा हूँ कौन अम्ल बुझीगला कि नहीं आउ हाइड्रोक्साइड जो गुड़ा लिखाई थी ओ एच जो गुड़ाक थी से गुड़ाक हूँ कौन खारक देख ठीक से सोडियम हाइड्रोक्साइड एन ओ एच कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सी ए ओ एच रोल टू पोटासीयम हाइड्रोक्साइड के ओ एच मैग्नेशियम हाइड्रोक्साइड एम जी ओ एच रोल टू एमोनियम हाइड्रोक्साइड एन एच फोर ओ एच है कि तेणु एगुड़ाक सब हूँ आमर कौन ना खारक बुझीगला कि नहीं एगुड़ाक हूँ कौन खारक बुझीगला तो अम्ल जानव कि जो एसीड थी बुझीगला कि नहीं ओ थ्री ओ फोर है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड लिखाई थी तेनाली जानव अम्ल खारक हूँ कौन ना जो गुड़ाक हाइड्रोक्साइड थी से गुड़ाक हूँ खारक बुझीगला आउ अम्ल आम जान लें कौन ना अम्ल आम जान लें हाइड्रोजन प्लस आयन टा उत्पन्न होमें खारक रु कौन जान लें खारक रु आम जान लें कौन ना सी ओ एच माइनस आयन टा उत्पन्न जो जौगिक रु ओ एच माइनस आयन टा उत्पन्न होते आम खारक कौचे बुझीगला कि नहीं आउ अम्ल माने सीटा हाइड्रोजन प्लस आयन टा सी उत्पन्न हम बुझीपार कि नहीं तो देख यहाँ अच्छे देख तुम सामने नमूना द्रवण दी लाल लिटमस द्रवण दी नील लिटमस द्रवण दी फेनल पथालीन द्रवण दूसरी मिथाइल ओरेंज द्रवण दी तो देख आम ये प्रथम दुटा अम्ल ना दुटा खारक ना तो देख लाल लिटमसटा नील लिटमस कौन हो फेनल पथालीन द्रवण कौन हो मिथाइल ओरेंज द्रवण कौन हो तो देख फास्ट मुझे नहीं हूँ देख दुटा आम अम्ल नौ एसीड नौ देख दुटा अम्ल को मुझे नौ देख ये प्रथम फास्ट मैं एसीएल नौ मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसीड है कि एसीएल तो सी लाल लिटमस द्रवण आम जानचे कौन ना अम्ल हूँ कौन ना लाल लिटमस द्रवण कौन कर सी अपरिवर्त रखे किसी परिवर्तन हम ना है परिवर्तन हम ना परिवर्तन अपरिवर्तित मैंने परिवर्तन अपरिवर्तित रही बुझीगला कि नहीं एसीएल कारण लाल लिटमसटा किसी प्रभाव पड़ब ना अम्ल में कि नील लिटमस कागजा कौन हम ना जो अम्लटा पड़ब नील लिटमस कागजा ये लाल रंग ये कौन हम ना लाल रंग हो ठीक से पर देख फेनल पथालीन द्रवणटा ये कौन हो अम्लटा पड़ब ये वर्णहीन हो कौन हम वर्णहीन हो बुझीगला कि नहीं ठीक से पर देख मिथाइल ओरेंज द्रवणटा जो अम्लटा पकईवा मैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्रवणटा जो पकईवा मिथाइल ओरेंज द्रवण से सी कौन हम ना लाल रंग हो कौन हम ना लाल रंग हो बुझीगला ठीक से पर देख आम आ गोटे अम्ल ना सी हूँ देख सल्फ्यूरिक एसिड एच टू एस ओफ गंधकण जोटा को कहे है तो ये कौन करब ये विषय अम्लटा ये लाल लिटमस द्रवण कौन हम एच टू एस ओफ द्रवणा मिसले ना सी अपरिवर्तित ही रही है ना ये अम्ल कि नील लिटमस द्रवणटा कौन हम ये लाल रंग हो कौन हम लाल रंग हो
आ फेनल पथालिन द्रवणटा कोन हबो ये वर्णहीन हो जइबो कोन हबो वर्णहीन हो जइबो आ मिथाइल ऑरेंज द्रवणटा कोन हबो ना लाल रंग हो जइबो लाल रंग हो जइबो बुझियाला कि नै तो ये दिटा दिला कोन हमर अम्ल रो नेले उदाहरण एबे हम खारो को नेबा गोटे हो जइले त पोटासियम हाइड्रोक्साइड नेउची आ गोटे धर नेउची सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बुझियाला कि नै ये हूँ कौन दुटा खारक कि मैंने हाइड्रोक्साइड ओएच माइनस आयन उत्पन्न होती तो आम जाने कौन ना खारकटा लाल लिटमस पेपर को कौन कै नील रंग कर दिए तेनाली ये नील रंग हो लाल लिटमस पेपरटा कौन हम नील रंग हो बुझेगा कि नहीं कि नील लिटमस पेपरटा तो किसी हम ना कारण ये हूँ खारक मान ये अपरिवर्तित रे अपरिवर्तित रख फेनल पथालीनटा कौन हम द्रवणटा कौन हम ना ये गोलापी रंग हो कौन हम गोलापी रंग हो आ मिथाइल ऑरेंज द्रवणटा हलदिया रंग हो गोलापी रंग हो हम हलदिया रंग हलदिया रंग हो ठीक से देख सोडियम हाइड्रोक्साइडटा ये भी गोटे खारकटा तो खारक लाल लिटमस द्रवणटा कौन करना नील रंग करदे आल लिटमस द्रवणटा कौन हम ये अपरिवर्तित रपरिवर्तित र आ ये फेनल पथालीन द्रवणटा गोलापी रंग गोलापी रंग मिथाइल ऑरेंज द्रवणटा ठीक से हलदिया रंग ही बुझीला हलदिया रंग तो अम्ल अम्ल खार को जान ले अम्ल कौन कला तेज ना देख अम्ल नील लिटमस पेपर को लाल रंग करदेला मिथाइल ऑरेंज द्रवण को भी सी लाल रंग करदेला लाल अम्ल कौन कला ना लाल लिटमस द्रवण को सी अपरिवर्तित रखला फेनल पथालीन द्रवण को सी वर्णहीन करदेला बुझीला कि नहीं देख खारक कौन कला ना लाल लिटमस पेपर को सी नील रंग करदेला एवं मिथाइल ऑरेंज द्रवण को से हलदिया रंग करदेला फेनल पथालीन द्रवण को से गोलापी रंग करदेला नील लिटमस पेपर को सी अपरिवर्तित रखला बुझीला कि नहीं तो यही तुम्हारा अम्ल आ खारक तो देख एबे हमें आलोचना करवा घ्राण सूचक बुझीला कि नहीं तो किसी केतेक पदार्थ अच्छी जार अम्लीय और क्षारिय माध्यम गंधर परिवर्तित परिवर्तन होता है एगुड़ी घ्राण सूचक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते तो देखो घ्राण सूचक डेफिनेशन कौन घ्राण सूचक तो घ्राण सूचक डेफिनेशन अच्छी अम्लीय और क्षारिय माध्यम जो पदार्थर गंधर परिवर्तन होता है ताकि घ्राण सूचक कहते माने अम्लीय एवं क्षारिय माध्यम रे जो पदार्थर कौन ना गंधर परिवर्तन हबो ताकु आमे कहिबा घ्राण सूचक तो देख तुम पई काम 2.2 रे अछि देख गोटे घ्राण सूचक रे देख गोटे उदाहरण अछि तुम पई काम रो 2.2 रे कोन कहि छि ना प्रथम आमे कोन कहबा ना गोटे पियाजटा को आमे सरु सरु काटि देबा तापरे किछि पतला सफा पतला लुगा पटी रे एला कि आमे दुईटा लुगा पटी नेबा दुईटा लुगा पटी जे सरु सरु काटिथिबा पियाज गुडी को आम गोटे कौन कहवा ना मानने बांधिकी एक प्लास्टिक बैग रे कौन कहना भल कर प्लास्टिक बैगटा को बांधा प्रपल दिन बांधि देवा पर कौन कहवा ना एक फ्रिज मध्य गोटे राति रखीदेगा कौन कहवा ना से तापर से लुगापटी गुड़ी कोला कि आम काढ़ अम्ल आ खारक मानने परीक्षा करने व्यवहार करवा कौन कहवा ना दुटा लुगापटी नहींचे तो दुटा लुगापटी कौन कहवा ना आमे गोटे लुगापटी किसी बुंदा लघु हाइड्रोक्लोरिक एसीड द्रवणटा पकईदे अं गोटे लुगापटे पिज छोट छोट सरु सरु पिज गुड़ा काटीचे लुगापटी अच्छी से लुगापटी कौन किसी बुंदा लघु सोडियम हाइड्रोक्साइड द्रवण पकईवा ताने गोटे आम अम्ल पकाचे ये हूँ लघु हाइड्रोक्लोरिक एसीडा हूँ अम्ल अंपटे लघु सोडियम हाइड्रोक्साइड खारकटा आम पकाचे है कि NaOH द्रवणटा को पकाचे तो कौन देखा ना देखा जे ना से गंधरे परिवर्तन आसो अम्लटे जो पकईचे लघु हाइड्रोक् अम्ल है कि एसीड जो पकईचे जो पिज लुगापटीटा जो बांधीचे पिज जो अच्छी तार गंधटा अलग आसना आसूची बुझ बुझीपारा आ जो जो लुगापटीटे किसी मानते सरु सरु काटे पिज गुड़ाक बांधिक रखीचे है कि सीट लघु सोडियम हाइड्रोक्साइड खारकटा पकईवा तार मध्य कौन हम ना बासना अलग आसो बुझीला कि नहीं तो यठ आम जानले कौन ना तार गंधरे कौन होना पर आसूची बुझीला कि नहीं तो आम एठ आम जानले कौन ना जो जो अम्लीय और क्षारिय माध्यम जो पदार्थर गंधर पर आम घ्राण सूचक कहता घ्राण सूचक आम जापारे बुझीपार कि ना गोटे अम्ल पकड़ गोटे खारक पकड़ू से कौन हो तार बासनार तार गंधरे
कौन हो परिवर्तन आसुच्छ बुझीला कि नहीं। तो देख आज आम अम्ल खारक लवण विषय आलोचना कले तो नेक्स्ट वीडियो रे आम कौन करवा ना अम्ल खारक धातु सह अम्ल खारक धातु सह किपरि रासायनिक प्रतिक्रिया करे हेला कि से विषय रे आम नेक्स्ट वीडियो रे आलोचना करवा। तो आशा करूँगी पिला मैंने भिडियो को बुझीपार भिडियो को लाइक कमेंट और प्रचुर मात्रा में शेयर कर तापर जो मैंने तो चैनल टी सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब करनब आप बेल आइकन टी दबाई दबो जहाँफर कि मोर वीडियो आसू आस नोटिफिकेशन पड़े। थैंक यू।